यूपी के बहराइच के कई गांव अभी भी भेड़ियों की दहशत और उनके हमलों से जूझ रहे हैं। 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़े जाने के बाद भी न हमले रुक रहे और न ही डर। इसी बीच बुधवार देर रात भेड़िए ने एक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया। महिला इस हमले में इतनी बुरी तरह से जख्मी हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला पुष्पा देवी के मुताबिक बुधवार रात 10 बजे के लगभग वह घर पर सो रही थी। किसी बच्चे ने दरवाजा खोला होगा और भेड़िए को अंदर आने का मौका मिल गया। पहले से घात लगाए बैठा भेड़िया घर में दाखिल हुआ और महिला का गला दबोच लिया। यही नहीं, भेड़िए का हमला इतना जोरदार था कि महिला को चारपाई से गिरा लिया और घसीटने लगा। इस दौरान महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी तो आनन फानन में सभी परिजन आ गए और भेड़िया भाग गया। उसे ढूंढने की कोशिश भी की गई लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। घटना वही 10 बजे जो है सो रहे थे, दरवाजा खोल दिया, ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, भाई इनका आया गला पकड़ लिया। जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुझ से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया गन्ना के खेत में घुस गया। नहीं नहीं देख, हम लोग वहाँ मौके, हम तो नहीं थे, हमारा घर 3 किलोमीटर दूरी पे है। जब हमारे पास फोन गया, इनका लड़का भी नहीं है, बाहर है, तो आप इनको अस्पताल ले गए? हाँ, पहले किसी और अस्पताल ले गए थे क्या? हैं, पहले कहीं और अस्पताल में ले गए? हाँ, पहले महसी आए, महसी में जो है भर्ती किया, तो वो लोग खुद इलाज पानी किया, इसके बाद रेफर कर दिया बहराइच जिला पे। इससे पहले कि एक दिन पहले जो है एक बच्ची को काट लिया, फिर जैसे कल काटा आज इसको काटा। बता दें कि बीते दिनों में भेड़ियों के हमलों में अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। वहीं करीब 30 लोग घायल हुए हैं। पुष्पा देवी को भी मिला लें तो ये नंबर 31 हो जाता है। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। महिला पर हमले के ठीक एक दिन पहले 2 बच्चियों पर भी भेड़ियों द्वारा हमला किया गया था। उनकी जान तो बच गई लेकिन वे इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए। बीते कुछ दिनों में बार बार हमलों की वजह से गांव में बच्चे बाहर खेलने से बच रहे हैं, स्कूल जाना भी लगभग बंद सा कर दिया है। वहीं गांव के पुरुष रात में पहरा दे रहे हैं और प्रशासन सरगर्मी से बाकी भेड़ियों की तलाश कर रहा है। यहां तक कि वन विभाग की कई टीमें ड्रोन का भी सहारा ले रही हैं कि कहीं से कुछ पता चल सके और भेड़िए जल्द से जल्द उनके शिकंजे में आ जाए। हालांकि उनके कुछ ऑपरेशन सफल भी रहे, जिनमें 5 भेड़िए पकड़ में आए। लेकिन कहा जा रहा है कि इन सब भेड़ियों का सरदार, जो कि लंगड़ा भेड़िया है, वह अभी तक वन विभाग की गिरफ्त से बाहर है। मामला कब शांत होगा कोई नहीं जानता, पर इंतजार सबको है।